हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स आज हम समझने वाले हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप को तो चलिए समझते हैं पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं फिर इसकी वर्किंग को देखेंगे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपोनेंट्स हैं सिलेंडर इस सिलेंडर से कनेक्टेड है इनलेट पाइप जो उस कंटेनर या फिर ग्राउंड से कनेक्टेड है जहां से आपको वाटर सक करना है साथ ही साथ सिलेंडर से कनेक्टेड होता है डिस्चार्ज पाइप इनलेट पाइप के एंड पर नॉन रिटर्निंग इनलेट वाल्व लगी होती है और डिस्चार्ज पाइप के शुरुआत में नॉन रिटर्निंग आउटलेट वाल्व लगी होती है सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन होता है ये मूवेबल पिस्टन पिस्टन रॉड से कनेक्टेड होता है और पिस्टन रॉड क्रैंक पिन के जरिए कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड रहती है ये कनेक्टिंग रॉड क्रैंक से कनेक्टेड रहती है और ये क्रैंक क्रैंक केस के अंदर रोटेट करता रहता है अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्रैंक जीरो डिग्री से एक सौ अस्सी डिग्री रोटेट करता है जिसके कारण पिस्टन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से एक्सट्रीम राइट एंड की ओर चला जाता है अब सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में वैक्यूम बनता है और क्योंकि वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है इनलेट पाइप से होते हुए सिलेंडर में चढ़ने लगता है यह वाटर इनलेट वाल्व पर फोर्स लगाता है जिससे इनलेट वाल्व खुल जाती है और सिलेंडर पूरी तरह पानी से भर जाता है अब क्रैंक 180 से 360 डिग्री रोटेट करता है और पिस्टन राइट एंड से लेफ्ट एंड की ओर जाने लगता है जैसे ही पिस्टन लेफ्ट साइड की ओर चलना शुरू करता है आउटलेट वाल्व खुलना शुरू कर देती है और वाटर डिस्चार्ज पाइप में चढ़ने लगता है यह थी वर्किंग सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा अगली वीडियो जल्द ही आएगी तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत